प्रतिभा सिंह जी, स्मृति जी, जो इस कला मंडली के उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है और ऐसे ऐसे मुश्किल समय में कलाकारों के लिए अवसर प्रदान कर रही है। इसके साथ ही एक और बात कहना चाहती हूँ कि हमारी हमारे साथ एक और समुदाय जुड़ा रहता है, वो है हमारा किन्नर समाज, हमारा मंगलमुखी समाज। और वो समुदाय, उस समुदाय के लिए जितने प्रयास कला मंडली की तरफ किए जा रहे हैं उसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। तो इजाजत चाहूंगी आप लोगों से, शुरुआत करना चाहती हूँ मैं आज के स्वाग की। शुरुआत करने से पहले अपने सारे कलाकारों के साथ आपका परिचय कराना चाहूंगी। हारमोनियम में है संजय कायर जी, ढोलक में है सुनील सैनी जी, हमारे साथ म्यूजिक का काम देख रहे हैं कोरस पे किरण, साथ में पूनम जी हैं, नवीन जी हैं मेरे साथ और मैं भी हूँ। और पूनम जी एक ऐसी शख्सियत है कुल में कि इस प्ले में मैं आप लोगों के सामने ऑन स्टेज काम कर रही हूँ, लेकिन बैक स्टेज इन्होंने जितना मेरा साथ दिया उसके लिए मैं हमेशा इनकी जो है शुक्रगुजार रहूंगी। थैंक यू पूनम जी। इसके साथ ही शुरू कर रहे हैं, ज्यादा देर ना करते हैं, रस्मान वीर परवरी
Bye.
I'm
होगा क्योंकि ताली से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा कुछ भी नहीं। तो माँ की ऐसी बात सुन, माँ से आशीर्वाद ले, वीर बरबरी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर नीले घोड़े पर सवार होकर चल पड़ते हैं। Bye-bye.
बालक जो तुम्हारे मन में है मुझे तो बतला ही
वही कहां बातों में आने वाला है। केशव लीला भरने लगे, नया स्वांग भरने लगे, कहने लगे ये क्या बात हुई है, एक बात बतलाओ बालक, पहले अपने कुल का परिचय तो दो कि कौन हो, कौन से कुल के हो, फिर मैं तुम्हें बतलाऊंगा। कहने लगे बरबरी, कहने लगे हे ब्राह्मण राज, मैं पांडव वंशज भीमसेन पुत्र घटोत्कच पुत्र बरबरी, और मेरी माँ ने कहा है कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। Nope.
पूछे और कहने लगे, जानना चाहते हो बस मैं कौन तो सुनो। युद्ध के